हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इसको जो है निगलेक्ट ना करिए, एकदम एक तरफ से देखिए। इससे पहले जो है हमने इंडक्शन मशीन के प्रिंसिपल के बारे में और उसमें काफ़ी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काफ़ी मतलब अच्छे से उसको सारी चीज़ें देखे थे। और आपका जो है स्क्वायरल केज रोटर, स्लिप रिंग रोटर, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हमने बात की है, अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको जाइए देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। देखिए, ये वीडियो हम आपको स्लिप बताना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप जो है आपके UPBTE के एग्ज़ाम में जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप। तो देखिए स्लिप होता क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्लिप आपका स्लिप होता क्या है, तो देखिए इंडक्शन मोटर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आप कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर हमेशा रन करता है किस पे, किस स्पीड पे, स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। ये हम करें, जैसे इंडक्शन मोटर हमेशा जो है सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रन करता है, ये बात आप जो है नोट कर लीजिए। अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे, बात पहले से ही आपको पता है कि ये जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करता है, उससे कम पे रन करता है। यहाँ लिख सकते हैं इंडक्शन मोटर ऑलवेज, मतलब हमेशा, थोड़ा अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रन एट अ स्पीड स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, जिसको हम NS से दिखाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे आप क्या लिख सकते हैं, कि एज द, अगर हम लोड को जो है इंक्रीज करते हैं, द स्पीड ऑफ द मोटर रिड्यूस, तो यहाँ लिखते हैं एज द लोड इज इंक्रीज्ड देन द स्पीड ऑफ मोटर रिड्यूस्ड। बहुत अच्छी बात है। देखिए अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, अब हम बात करेंगे स्लिप, स्लिप आपका क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर इज नोन एज स्लिप, जिसको एक्चुअल स्पीड आपका कौन सा है, एनआर के स्पीड से मूव करता है। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर इज नोन एज स्लिप स्पीड। इसका मैं कहने क्या मतलब, हमने यहाँ देखा कि इंडक्शन मोटर हमेशा जो है सिंक्रोनस स्पीड से जो है लेस इसका स्पीड होता है। तो ये क्या, यही इसी चीज़ का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, यही आपका स्लिप के कारण हो रहा है, ये स्लिप आपका यही हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ दिखाया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड, जो कि आपका सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर, जो आपका मोटर का एक्चुअल स्पीड है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लिप स्पीड बोल रहे हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो आप लिख सकते हैं कि NS-NR बराबर आपका क्या है, ये स्लिप स्पीड आप कह सकते हैं, स्लिप स्पीड RPM में दिखा सकते हैं, ये आपका जो है क्या है, स्लिप स्पीड है, यूनिट आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो डिफरेंस है NS और NR का, यही आपका स्लिप स्पीड बोला जा रहा है। NR आपका क्या है, रोटर स्पीड है, सॉरी रोटर स्पीड आपका NR है। काफ़ी आसान भाषा, मतलब आसान आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या है, NS 20 F
अपान पी। ये फार्मूला आप जो है एकदम याद करिए। जिसको नहीं पता है कि एफ क्या है और एफ क्या है और पी क्या है, तो एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, पी क्या है नंबर ऑफ द पोल है। इतनी बातें आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे स्लिप का अगर हम फार्मूला देखते हैं, स्लिप परसेंटेज में लेके देखते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि एन एस माइनस एन आर, याद कर लीजिएगा, एन एस माइनस एन आर अपान बटे में एन एस 200। देखिए ये आपका जो है स्लिप है स्टूडेंट्स, स्लिप आप इसको जो है याद कर लीजिए। स्लिप आपका जो है हर जगह काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है और जगह जो है ये आता भी है, आप इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम इसमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा एक हम इसका फॉर्म देखते हैं जो कि कन्फ्यूज कर देता है कभी कभी, देखिए वो क्या है, वो यह है कि आप जानते हैं कि एस, ये आपका स्लिप बराबर क्या है, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस है। अगर इस एन एस को यहाँ कहते हैं तो स्लिप एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, देखिए इस एन आर को हम इधर लाए, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो आपका क्या होगा, एन एस आपका यहीं रहेगा माइनस एस एन एस, ये आपका जो है एन आर इस तरफ आ जाएगा। अगर हम यहाँ से जो है स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं किसको, एन एस को, ये क्या हो जाएगा आपको वन माइनस स्लिप हो जाएगा एन एस। तो जो आपका मतलब देखने को मिला है वो क्या मिला है, एन आर इक्वल टू वन माइनस स्लिप क्या है एन एस। ये स्टूडेंट जो है आपका एक आपको रिलेशन मिलता है, तो आप इसको भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये भी आप ध्यान रखिए, ये स्लिप का भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका स्लिप का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब इसके बाद थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर, तो उसको देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर क्या होता है। चलिए उसको हम थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं, लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा और नीचे लिखते हैं। आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, अगर हम इसको निकालें तो देखिए यहाँ पे इसको हम इसलिए निकला दे रहे हैं क्योंकि ये आपका जो है इस समय आप अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी से, क्योंकि सारे फार्मूले यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ये जितने फार्मूले लिख रहे हैं आपको एकदम बाई लाइन एकदम याद रहना चाहिए। अब देखिए फ्रीक्वेंसी रोटर जो है हम बता रहे हैं आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, तो वो देखिए हम किस प्रकार से इसको डिराइव करते हैं। आप ये जानते हैं कि एन एस इक्वल टू 120 एफ अपान पी इतना होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर पहला आप ले लीजिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इस एफ को हम इस तरह भेजें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन एस पी अपान 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका एन एस इस तरफ, देखिए पी इस तरफ चला गया आपका, ये इंटू में था डिवाइड हो गया, इतना आप ऐसे आप लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस पी को आप जो है 120 के नीचे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू एन एस अपान 120 पी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा, तो आप इतना लिख सकते हैं। तो इसको जो है इक्वेशन नंबर दूसरा मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए अब अगर हम बात करें कि रोटर ईएमएफ या फिर फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं, रोटर ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी जिसको आप एफ आर या एफ से दिखा सकते हैं, वो उसको हम कैसे लिखा है, देखिए रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ आर से थोड़ा हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या है रिलेटिव स्पीड अपान में 120 अपान पी इतना हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हम क्या कर सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड आपका क्या है, एन एस माइनस एन आर आप लिख सकते हैं। देखिए एन एस माइनस एन आर आप जो है इसको रिलेटिव स्पीड को जो है रखिए। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होंगे कि जो फार्मूला हमने आपको यहाँ बताया था, कहाँ गया वो फार्मूला, देखिए यहाँ से ये जो फार्मूला है यहाँ पे एन एस माइनस एन आर को आप फार्मूला यहाँ देख रहे हैं,
कि एन एस माइनस एन आर को हम ये लिख सकते हैं स्लिप एन एस, ध्यान रखिए यहाँ पर अगर हम इसको पुट करते हैं स्लिप एन एस तो क्या हो जाएगा, स्लिप एन एस लिख सकते हैं अपन क्या है 120 अपन पी। आई होप इतनी बातें स्टूडेंट्स आपको दिख रही होंगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको आप इस पर ध्यान दीजिए कि अगर आप इस पी को ऊपर भेज देते हैं तब क्या होता है, देखिए अगर आप इस पी को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लिप एन एस पी अपन 120। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो ये जो है हम यहाँ पे लिखे हैं कि एन एस पी अपन 120, तो यहाँ आप देख रहे होंगे इक्वेशन नंबर दूसरे में, ये देखिए ये इक्वेशन आप देखिए फ्रिक्वेंसी क्या लिख रहे थे एन एस पी अपन 120, तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा एफ नहीं हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा एन एस पी अपन 120, ये आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तो स्लिप एफ एफ ये आपका क्या है रोटर फ्रिक्वेंसी मतलब एफ आर है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये देख रहा होगा, आपको एफ आर की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रही होंगी। तो ये इस प्रकार से जो है आप रोटर को रोटर फ्रीक्वेंसी जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ आर स्लिप एफ यहाँ पे हमने किस प्रकार से डिराइव किया, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी बेसिक भी है सरल भी है। तो इस तरीके से आप जो है इस टॉपिक को आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लिप और रोटर फ्रीक्वेंसी जो है हम इस वीडियो में हमने देखा है। क्या देखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंस मोटर है ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो आप इसको जो है बारीकी से देखिए। चलिए थैंक यू।